आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूँ अरफाज अहमद डैंग। 2001 में एक स्कीम लाई गई थी जिसका नाम रखा गया था रोशनी स्कीम, और बहुत सारे लोगों ने उसमें फॉर्म्स भी फिल किए थे। और उसके बाद में उस रोशनी स्कीम का नाम जो है रोशनी स्कैम भी पड़ा। और अब कुछ दिन पहले जो है हाई कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट आई है, जो रोशनी स्कैम है, स्कैम या स्कीम जो भी है, उसको हैंडओवर कर दिया गया है सीबीआई के। और इस पे कुछ लोगों के द्वारा जो है इसको पॉलिटिकल जो एडवांटेज लेने की कोशिश की जा रही है, लेना भी चाहिए, लेकिन जो तरीका अपनाया जा रहा है वो बहुत ही गलत है। उससे आपसी जो प्यार मोहब्बत है, जो पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को टारगेट करके जो एक पॉलिटिकल जो मुफाद लेने की कोशिश की जा रही है, वो कहीं ना कहीं जो है गलत है। और इसी सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट शेख शकील सर। सर स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। शुक्रिया डैंग साहब, आपका बहुत बहुत। सर जो जजमेंट आई है इसका कुछ लोग जो हैं बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, गलत तरीके से जो है लोगों के बीच में उसको पेश कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को जो है टारगेट बना के इसका जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? डैंग साहब, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ कहूँगा। मैं आपको 2008 में ले जाता हूँ, जब अमरनाथ लैंड रो हुई थी। कुछ लोगों ने उस मुद्दे को भी पोलिटिसाइज़ किया, और फिर उसके बाद वो लोग जम्मू कश्मीर के सियासत के नक्शे से ही गायब हो गए। फिर आपको याद होगा यहाँ पे रसाना वाला मामला आया, बिल्कुल ठीक है। जिस जिसने भी मज़हब की बुनियाद के ऊपर, रसाना के ऊपर सियासत की, उस मासूम बच्ची की लाश पे सियासत की, ठीक है, आज आप देखिए वो लोग कहाँ पे हैं। ठीक है, उन लोगों की क्या हालत हुई, वो लोग आज समाज में उनकी क्या स्टैंडिंग है। लंबी लंबी रैलियां उन लोगों ने निकाली, कम्युनलाइज की सिचुएशन से कहते हैं, लोगों को डिवाइड किया जिसे कहते हैं, और लोगों को सब्ज़ बाग दिखाए। आज वो लोग समाज में कहाँ पे हैं, उनकी स्टैंडिंग क्या है, आप सबके सामने है। ये जो नया मसला आया, आप रोशनी लैंड स्कैम जिसे मैं कहूँगा, जिस दिन से ये जजमेंट आई है, आपने देखा कुछ लोगों ने हाथ में डमरू उठाकर जिसे कहते हैं, वो डफली उठाकर जिसे कहते हैं, वो लैंड जिहाद के राग जो हैं वो गा रहे हैं जिसे कहते हैं, वो लोग क्लेम कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने बहुत बड़ा कमाल कर दिया जिसे कहते हैं, और जैसे यहाँ पे खुदा न खास्ता, मतलब जिस तरह से वो लैंड जहाद कभी कुछ से कहते हैं, लफ्ज़ों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा उन लोगों से एक ही सवाल है, जो लोग आज इसको लैंड जिहाद का नाम दे रहे हैं, जो इस जजमेंट के ऊपर हेट पॉलिटिक्स को प्रमोट कर रहे हैं, जो इस जजमेंट के ऊपर कम्युनल पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, मेरा उन लोगों से एक ही सवाल है कि ये जो 64 पेज का फैसला है जी, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का, इसके किसी एक सफ़े पे मुझे बता दीजिए कि क्या लफ्ज़ हिंदू का इस्तेमाल है, क्या किसी लफ्ज़ मुस्लिम का इस्तेमाल हुआ है, या किसी सिख भाई का नाम लिया गया है, या किसी क्रिश्चियन भाई का नाम लिया गया है, क्या ये कोई जजमेंट जो थी इसमें कोई मज़हब की बुनियाद के ऊपर कोई आर्गूमेंट्स हुए हैं कोर्ट के अंदर। लेकिन नहायत ही अफसोस का मुकाम है कि एक पाथ ब्रेकिंग, एक हिस्टोरिकल, एक लैंडमार्क जजमेंट जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट ने दी अगेंस्ट लैंड माफिया, ठीक है। तो इनक्रोचर जो है वो इनक्रोचर है, उसका तो कोई मज़हब नहीं है। मैं बिल्कुल आपको एक चीज बात साफ कहूँगा, जिसे कहते हैं जिस तरह एक क्रिमिनल का कोई मज़हब नहीं है, एक एक्यूज्ड का कोई मज़हब नहीं है, इसी तरह इनक्रोचर इज़ एन इनक्रोचर। लेकिन एक इनक्रोचर को एक समुदाय के साथ अटैच करना, और फिर उस समुदाय को से कहते हैं ओपनली नेशनल मीडिया के ऊपर जाकर से कहते हैं उस समुदाय को टारगेट करना, उन लोगों को टेरराइज करना, लोगों का जो हिस्टोरिक भाईचारा है उसको जख्म पहुंचाना, क्या इस देश का संविधान इस बात की इजाज़त देता है? आप मुझे बताइए, हमारे इंडियन पेनल कोड में सेक्शन 253A है,
कि वो लोग जो कम्युनिटीज़ के बीच में तफरका डालते हैं, नफ़रत फैलाते हैं, किसी के सेंटीमेंट्स को हर्ट करते हैं, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। मींस कि पुलिस बिना वारंट के उस शख्स को गिरफ्तार कर सकती है। अभी आपने देखा पिछले दिनों प्रॉफिट मोहम्मद की शान में गुस्ताखी की गई, और आपने देखा होगा कि कितना जल्दी जम्मू पुलिस एक्टिवेट हुई, बिल्कुल, और इमीजिएटली उन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये लोग आग से खेल रहे हैं डैंग साहब, और ख़ास तौर पर मैं अपने डीजी और अपने आईजी साहब को ये कहूँगा कि प्लीज़ इन वीडियोस के नोटिस लीजिए। आप लोगों की ड्यूटी है यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर और यहाँ के भाईचारे को कंट्रोल में, काबू में रखना, और वो लोग जो यहाँ के हालात को ख़राब करना चाहते हैं, जो हाई कोर्ट की जजमेंट के ऊपर सियासत कर रहे हैं, जो हाई कोर्ट की जजमेंट को कमनलाइज कर रहे हैं, जो हाई कोर्ट की जजमेंट को जिसे कहते हैं एक अलग सी रंगत दे रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये हाई टाइम है कि उन तमाम वीडियोस को एग्जामिन किया जाए, उन और इन तमाम चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन जो चैनल्स इस कम्युनल एजेंडे को प्रमोट कर रहे हैं, और साथ में उन लोगों को मौका दे रहे हैं जहर उगलने का जिसे कहते हैं, जो कि हाई कोर्ट के जजमेंट की ना इंटेंट है ना स्पिरिट है। जैसे कि सर मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, ये जजमेंट आई है, जितने भी इसमें नाम दिए गए हैं, क्या ये पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के हैं या जिस तरह से इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, या सभी तरह के जितने भी इंक्रोचर्स हैं, जिस तरह से आपने कहा कि जो इंक्रोचर होता है वो एक इंक्रोचर है, ना कि किसी की मजहब का उसमें कोई ताल्लुक नहीं होता है, इंक्रोचर इज इंक्रोचर, तो क्यों इसको जो है इस तरह से जो पेश किया जा रहा है कि सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करके कि यहाँ पर जो है ज़मीन जिहाद हो गया, डेमोग्राफी चेंज होगी जम्मू की, और जम्मू में अगर कहीं से पूंछ से आ रहा है तो वो भी जम्मू प्रोविंस का ही है, अगर कश्मीर से कोई कश्मीरी आता है जम्मू में, 2 महीने 3 महीने सर्दियों के यहाँ पे काटता है, तो कौन सी डेमोग्राफी यहाँ पे चेंज हो गई, अगर यहाँ से जो टूरिस्ट इतने जाते हैं वहाँ पे भी बड़े सारे बाहर के लोग या जम्मू के लोग जो हैं बिजनेसिस कर रहे हैं, मकान बनाए हुए, घर बनाए हुए, तो वहाँ पे अगर डेमोग्राफी चेंज नहीं हो रहा तो यहाँ पे कैसे हो रहा है? देखिए ये जो लफ्ज ज़मीन जहाद से कहते हैं, इस्लामोफोबिया और साथ में डेमोग्राफिक चेंज, ये आपने लफ्ज़ खासकर जम्मू की प्लूरल सोसाइटी में पहले कभी आपने सुने थे? ये नहीं सुने सर। पहले कभी आपने सुने थे? गुज्जर से दूध नहीं लेना, गुज्जर को ज़मीन नहीं बेचनी, गुज्जरों का बायकाट करना, ये सियासत कभी आपने जम्मू कश्मीर में देखी थी? ये सियासत आपको अभी पिछले 2-4-5 सालों में आपको नज़र आई, इसे कहते हैं। ये सियासत क्यों आई? ये सियासत इसलिए आई क्योंकि मज़हब को एक्सप्लॉइट करके लोगों के सेंटिमेंट्स उभार के, जिसे कहते हैं, कुछ लोग हीरो बनना चाहते हैं। ठीक है, आप लड़िए सियासत, अच्छी बात है, आप कोई भी अपनी फिक्र अपनी सोच सियासत में रख सकते हैं, लेकिन मैं इन तमाम लोगों को जो जम्मू में आग लगाना चाहते हैं, जिनको जम्मू का मिसाली भाईचारा बर्दाश्त नहीं हो रहा, टॉलरेट नहीं हो रहा, बिल्कुल, मैं उन लोगों को ये इस्तदा करना चाहता हूँ, मैं उन लोगों को विनती करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वो जम्मू में अच्छी सड़कों के लिए सियासत करें, बिल्कुल, वो जम्मू में ऑक्सीजन प्लांट, मेडिकल कॉलेज में मॉडर्न ऑक्सीजन प्लांट की ऊपर सियासत करें, वो जम्मू में कोरोना पेशेंट्स को कैसे बेटर ट्रीटमेंट दिया जा सकता है उसके ऊपर सियासत करें, जम्मू के दूर दराज जो इलाके हैं वहाँ कनेक्टिविटी कैसे पहुँचानी है उसके ऊपर सियासत करें, जम्मू से लाठी, बंदोल, डुड्डू, कीर्ची में कैसे क्वालिटी सड़कें पहुँचें उसके ऊपर सियासत करें, जम्मू में हर एक घर में बिजली का बल्ब पहुँचे उसके ऊपर सियासत करें, जितने भी नए डिग्री कॉलेजेस खुले हैं वहाँ पे अच्छे से अच्छी फैकल्टी वहाँ पे फ्राहम हो उसके ऊपर सियासत करें, लेकिन ये कौन सा काम आपने पकड़ लिया है? तो सर जिस तरह से ये जो पॉलिटिकल
किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो कोई भी नुमाइंदा है जो इस तरह की जो डिबेट्स करता है या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करता है, तो ये जो एजेंसीज हैं, इतनी सारी एजेंसीज हैं, अगर कोई सोशल मीडिया पे कोई कमेंट भी कर देता है तो उसके खिलाफ़ भी FIR लगती है। आपने अभी हाल ही में देखा होगा कितनी सारी जो FIRs लगी हैं, तो इन लीडरान के खिलाफ क्यों नहीं कोई एक्शन लिया जाता, क्यों मतलब जो है आपको या हमें या किसी को अपील करनी पड़ती है कि आप ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें जिससे कि माहौल जो है वो ख़राब हो। ये तो जम्मू और कश्मीर के लोग जो हैं आपसी भाईचारा जो है बनाए रखते हैं, नहीं तो इन सारी चीज़ों से हिंदू मुस्लिम या इस तरह से जो कम्युनल बातें जो प्रोजेक्ट की जाती हैं उससे काफ़ी जो है आपसी नुकसान भी हो सकता है। देखिए, पुलिस के पास सुपर मोटो पावर्स हैं। जब भी कोई क्राइम होता है ना ढेंग साहब, ज़रूरी नहीं है कि मैं एक रिटन कंप्लेंट लेकर मैं थानेदार के पास जाऊं जी। ठीक है, ये तो सामने सामने जो टीवी के ऊपर चर्चा हो रही है और जिस तरीके से ओपनली एक कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया जा रहा है और एक किस्म का डराने का, एक मैं ये कहूँगा कि एक कम्युनिटी को, एक पूरे समुदाय को टेरराइज करने का एक माहौल बनाया जा रहा है जिसे कहते हैं, और ओपनली आप एक कम्युनिटी को ब्रांड कर रहे हैं कि वो कम्युनिटी लैंड ग्रैबर है, उसने चोरियाँ की हैं, उसने बदमाशियाँ की हैं। इस किस्म का नंगा नाच डैंग साहब मैंने कभी अपने इस कैरियर में, अपनी लाइफ में नहीं देखा। मैं आपको मज़ेदार बात बताऊँगा। अभी आपने एक बात की, ये मेरे पास एक लिस्ट है जो मैं चाहता हूँ, क्योंकि ये लोग सही तथ्य जो है ना लोगों के सामने लाते नहीं। बिल्कुल, ताकि इनकी आंखें भी खुलें और लोगों को भी पता चले कि इस लिस्ट में आखिर हैं कितने लोग हैं। लोग बिल्कुल देखिए, ये जो लिस्ट है मेरे पास, ये 547 लोगों की लिस्ट है। ये अकाउंटेंट जनरल J&K, जो कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का J&K में विंग है जी, ठीक है। ये लिस्ट उन्होंने 2013-14 में जम्मू कश्मीर सरकार को जो है वो दी थी कि जो टेस्ट चेक केसेस हमने 7 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उसमें से जो रैंडम चेकिंग के बाद हमने जिन केसेस में इररेगुलरिटीज़ डिटेक्ट की हैं वो ये हैं जी। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्या इसमें एक ही समुदाय के लोग हैं? बिल्कुल। या इसमें सभी लोग हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरीके से ये लोग जो इसके ऊपर सियासत कर रहे हैं मजहबी बुनियाद के ऊपर, मैं चाहता हूँ कि मेरे जम्मू के अवाम को, मेरे कश्मीर के भाइयों को भी, सभी को ये पता चले कि लेट्स रिजेक्ट दिस कम्युनल पॉलिटिक्स एंड लेट्स रिजेक्ट दीज फोर्सेज हु आर ट्राइंग टू कम्युनलाइज द लैंडमार्क जजमेंट ऑफ द J&K हाईकोर्ट। ये मेरा, मैं भी आपको लिस्ट बताऊँगा जी। ये स्टार्ट होती है सीरियल नंबर 1, और मैं आपको ये बताऊँगा सीरियल नंबर 1 से लेकर सीरियल नंबर 1 से लेकर डैंग साहब जी, यहाँ से जम्मू 322। हाँ, 21। ये 314 तक बड़गाम, श्रीनगर और बड़गाम डिस्ट्रिक्ट जी। और ये जो इसमें मैं वसूक से कहूँगा, क्योंकि ये कश्मीर के बड़गाम तक 314 नाम हैं, इसमें बीच में हमारे कुछ कश्मीरी पंडित भाई भी हैं, शायद वो 3 या 4% ही होंगे, लेकिन मैं वसूक से कह सकता हूँ हमारे पंजाबी हिंदू ब्रदर्स भी हैं इसमें, लेकिन मैं वसूक से कहूँगा कि 93 या 94% कश्मीरी मुस्लिम्स हैं। मैं नाम ले रहा हूँ कश्मीरी मुस्लिम्स में कह रहा हूँ, लेकिन अब मैं जम्मू खित्ते की ओर आना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि कहा ये जा रहा है कि जम्मू की डेमोग्राफी जो है जी उसको चेंज किया जा रहा है, और ये एक डिज़ाइन के तहत, इसके पीछे पता नहीं ISI का हाथ है या पाकिस्तान का हाथ है। तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि जम्मू में वो कौन से एप्लीकांट्स हैं, मैं उनके सभी के नाम पढ़ना चाहता हूँ, अगर डैंग साहब आप मुझे इजाज़त दें। बिल्कुल ना, बिल्कुल, ताकि इन लोगों की आंखें भी खुलें और आम जनता को भी पता चले कि आखिर, क्योंकि जिस तरीके से मेरे जम्मू की भोली आवाम को गुमराह किया जा रहा है, एक जो नैरेटिव यहाँ पे बिल्ड किया जा रहा है, ठीक है, ये मैं अपने उन भाइयों की नज़र, ये मैं नाम कुछ करूँगा। ये 315 नंबर सीरियल से है। सबसे पहले है श्री विजय कुमार, सन ऑफ श्री KD शर्मा, RORA हरी जी। उसके बाद 316 नंबर पे हैं हरबंद सिंह, सन ऑफ रतन सिंह, चांदनगर। फिर 317 नंबर पे हैं ज्ञान चंद, सन ऑफ पुन्नू राम, RO न्यू रिहाड़ी।
फिर है 318 नंबर चितरंजना वाइफ ऑफ कुलभूषण शर्मा आर ओ रिहाड़ी। 319 नंबर पे है जवाहरलाल कपूर सन ऑफ लेट वेद प्रकाश आर ओ रिहाड़ी। फिर उसके बाद 320 नंबर पे है अशोक कुमार एंड सुनील कपूर सन ऑफ वेद प्रकाश आर ओ जोगी गेट। फिर उसके बाद 321 नंबर पे आप आइए जम्मू अशोक कुमार सन ऑफ श्री के डी शर्मा आर ओ रिहाड़ी। फिर 322 नंबर पे है कस्तूरी लाल सन ऑफ लेट बाबू राम। फिर उसके बाद 323 नंबर पे हैं जम्मू में शेख नज़ीर अहमद सन ऑफ लेट शेख मोहम्मद मकबूल जनरल सेक्रेटरी नेशनल कॉन्फ्रेंस शेर ए कश्मीर भवन जी। फिर उसके बाद 324 नंबर पे है सत्यवती देवी वाइफ ऑफ लेट के डी शर्मा आर ओ रिहाड़ी। फिर 325 नंबर पे हैं इश्तियाक अहमद सन ऑफ काजी ताजुद्दीन आर ओ दलपतिया मोहल्ला। फिर 326 नंबर पे हैं SS जैन सभा रानी तालाब जम्मू। फिर है राज रानी डॉक्टर ऑफ लक्ष्मण सिंह आर ओ न्यू प्लाट जोगिंदर लाल एंड बंसी लाल अनेजा सन ऑफ लेट ईशरदास अनेजा बिलो गुम्मट। फिर हैं जुगल किशोर सन ऑफ श्री कालू राम रख रैपर जम्मू जनक सिंह कृष्ण सिंह शकुंतला देवी सन्स एंड डॉटर ऑफ श्री त्रिबत सिंह आर ओ चांदनगर मैसर्स नेशनल गैरेज प्रोप्राइटर CL गुलाटी एंड सन्स बंसी लाल रैना सन ऑफ हिरानंद रैना आर ओ रिहाड़ी सैम्यूल बर्ट सन ऑफ फौजू आर ओ डोगरा हाल अनिल कुमार सन ऑफ के डी शर्मा आर ओ रिहाड़ी दया सागर शर्मा एंड प्रेम नाथ सन ऑफ दीनानाथ आर ओ रिहाड़ी। और ये जो लिस्ट है जो मैंने पढ़नी शुरू की है 315 नंबर से जी, ठीक है, ये 315 से लेकर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इसमें SS जैन सभा शशि कांता बिमल अरोड़ा तरुण बाली इंदर लाल एस रघुबीर सिंह रीनू रैना नरेंद्र सिंह श्याम सुंदर अशोक कुमार परशोत्तम कुमार कुलदीप शर्मा दिनेश गुप्ता श्री जगजीवन लाल सुरेंद्र कुमार तिलक राज डॉक्टर VK पचनंदा डॉक्टर विपिन गुप्ता जोगिंदर सिंह अनेजा शिवजी एंड सत्यनारायण जी टेम्पल बाल कृष्ण अबरोल सुरेश कुमार सतपाल सहदीप सिंह खुराना विजय कुमार श्याम लाल मदन लाल इंदर लाल सुरेश कुमार गुप्ता कुलदीप कुमार और ये लिस्ट चल रही है डॉक्टर धर्मभूषण शर्मा सन ऑफ राधा कृष्ण अजीत सिंह सन ऑफ बुद्ध सिंह मदन लाल सन ऑफ गोपाल विजय कुमार कालरा सन ऑफ मूल राज। ये सभी नाम जो हैं जो मैंने आपको बताया ये चल रहे हैं जम्मू के और इसमें 97% जो लोग हैं और साथ में ये उधमपुर की भी लिस्ट है उधमपुर की सूरम चंद बिछड़ू पूरन चंद शिवू सूरम चंद मुल्खराज। ये मैं अपने उन भाइयों को जो इसके ऊपर मजहब के नाम पे जो सियासत कर रहे हैं ज़रा जम्मू के अवाम को बताइए कि क्या ये भी मेरे जो भाई हैं जिसे कहते हैं क्या ये भी लैंड जिहाद में शामिल हैं क्या ये भी SI की कॉन्स्पिरेसी की लार्जर कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। मजबूर मत कीजिए हमें इसे कहते हैं हम लोग जम्मू के लोग अमन से रहना चाहते हैं प्यार और मोहब्बत से रहना चाहते हैं। और डैंग साहब मैंने पहले भी अपने इंटरव्यू में कहा जम्मू एक कैपिटल सिटी है जम्मू एक दारुल खुलाफा है। यहाँ पर लोग रामनगर से भी आए यहाँ पर लोग बिलावर से भी आए यहाँ से लोग भद्रवा से भी आए और ढैंग साहब आप भी तो रामबन से जम्मू में आए हैं ठीक है। आप मुझे बताइए अगर आपको रामबन में नौकरी मिलती तो आप मुझे नहीं लगता आप जम्मू आते इसे कहते अगर आपको वहाँ पे वसाइल आपके अच्छे होते तो आप यहाँ नहीं आते। और दूसरी बात आप मुझे बताइए क्या लोग पुंछ से नहीं आए यहाँ पे जी क्या लोग राजौरी से नहीं आए हैं यहाँ पे क्या लोग बसोली से नहीं आए हैं क्या लोग कठुआ से नहीं यहाँ पे आए हैं। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि बिना किसी वजह के और जबकि ये माइग्रेशन जो है ये जो माइग्रेशन है ये माइग्रेशन जम्मू से गुड़गांव भी हुई है ये माइग्रेशन जम्मू से पूना में भी हुई है हमारे बच्चे जो हैं वो ओवरसीज भी गए हुए हैं हमारे बच्चे दुबई भी गए हुए हैं हमारे बच्चे अमेरिका में भी हैं हमारे बच्चे लंदन में भी हैं तो हमारे लोग तो कनाडा में भी हैं। तो डैंग साहब मुझे आप एक चीज़ बताइए इसको क्या कहेंगे आप ये कौन सा जिहाद है जो हमारे लोग जिसे कहते हैं दिल्ली में नौकरी कर रहे हैं हमारे बच्चे
जो हमारे बच्चे बाहर पौंडीचेरी में पढ़ रहे हैं, तो उसका क्या मतलब है कि हम वहाँ की डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं क्या? बिल्कुल, वहाँ के लोग भी तो ये आवाज़ उठा सकते हैं कि यहाँ की डेमोग्राफी चेंज की डेमो, ठीक है। तो आपने देखा होगा तो कई बार तो महाराष्ट्र में भी, बॉम्बे में भी लोग कहते हैं कि ये जो बिहारी हैं या यूपी वाले हैं जो टैक्सी वाले, ये बॉम्बे छोड़ दें। अगर यही नैरेटिव हमारे पूरे देश में चलेगा तो फिर देश आगे कैसे बढ़ेगा, मुझे बताइए। जब हमने इन बुनियादों के ऊपर लड़ना है और इन बुनियादों के ऊपर हमने अपने देशवासियों को टारगेट करना है, तो बात कैसे बनेगी लैंग सर जी? तो सर, अब समय आ चुका है कि इस तरह की सियासत करने वाले जो लोग हैं, जो मजहबी रंग देने की कोशिश करते हैं, जिस तरह से हमने पूरी लिस्ट को जो है नज़र दौड़ाई और लोगों के सामने भी रखा, ताकि लोग ये ना बोलें कि खुद से कोई नाम बता रहे हैं, तो लोगों को भी जो है वहाँ पे वो देख सकते हैं कि कितने नाम इसमें हैं और किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो इस तरह से जो गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है और आपसी भाईचारे में कहीं ना कहीं दरार डालने की कोशिश की जाती है, ये जो एजेंसीज जो बाकी सारे जो गरीब लोगों पे या चुनिंदा लोगों के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ करते हुए नज़र आती है, ऐसे जैसे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं किसी भी पार्टी से बिलोंग रखते हैं, उनके खिलाफ भी इस तरह की कार्रवाई जो है वो देखने को मिले? देखिए, सब कुछ हकायक आपके सामने हैं। मैंने आपको पहले ही कहा किस ज़ुबान का इस्तेमाल किया जा रहा है वो आपके सामने है। बिल्कुल। और किस तरीके से, मैंने आपको पहले भी कहा, एक पर्टिकुलर समुदाय को डायरेक्ट टारगेट किया जा रहा है, उसको थ्रेटन किया जा रहा है, उसको इंटिमिडेट किया जा रहा है। हमारी पुलिस क्या कर रही है? हमारी जो सरकार की जो आंखें हैं CID, वो क्या कर रही है? ठीक है, आपने कितने लोगों को नज़रबंद किया जी? ठीक है, आप मुझे बताइए, एक एक साल, डेढ़ डेढ़ साल आपने उन लोगों को नज़रबंद किया जो कि इस स्टेट में, अर्स्ट वाइल स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन एंजॉय करते थे जी। आपने किया ना उनको? बिल्कुल। आपने उनको इस बुनियाद पे बंद किया कि वो पब्लिक ऑर्डर को थ्रेट हैं। थ्रेट है, बिल्कुल। ठीक है, लेकिन व्हाई यू आर सॉफ्ट टू सच वॉइसेस? आप इन वॉइसेस की तरफ सॉफ्ट क्यों हैं? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। डैंग साहब, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है और मैंने पहले भी कहा, क्या जम्मू कश्मीर पुलिस हाई कोर्ट के डंडे का इस्तेमाल कर रही है, का उसका वेट कर रही है कि कोई शख्स हाई कोर्ट में जाएगा और हाई कोर्ट को गुहार लगाएगा कि हाई कोर्ट की जजमेंट के ऊपर सियासत हो रही है, लोगों को डिवाइड किया जा रहा है, ज़मीन जहाद की बातें की जा रही हैं, डेमोग्राफिक चेंज की बात की जा रही है, एक कम्युनिटी को मार्जिनलाइज किया जा रहा है? क्या जम्मू कश्मीर पुलिस उस बैशिंग का इंतज़ार कर रही है जो बैशिंग एंटी करप्शन ब्यूरो को रोशनी स्कैम में मिली? क्योंकि इसी तरह एंटी करप्शन ब्यूरो ने भी अपनी आंखें बंद की हुई थी रोशनी लैंड स्कैम में। और क्या फूलों के हार डाले गए हैं एंटी करप्शन ब्यूरो को, वो इस 64 पेज की जजमेंट में वो रिकॉर्डेड है? तो मैं, बड़े रिस्पॉन्सिबल लोग इस टाइम जम्मू कश्मीर पुलिस को हेड कर रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो इन तमाम इंटरव्यूज़, ये जो तमाम वीडियोज़, क्योंकि बाकायदा ये चीज़ें मॉनिटर हो रही हैं, रिकॉर्ड हो रही हैं, क्या ये ड्यूटी नहीं बनती है कि जो लोग लोगों में तफरका डाल रहे हैं, लोगों को डिवाइड कर रहे हैं, लोगों के बीच में नफ़रत पैदा कर रहे हैं, हाई कोर्ट की जजमेंट के ऊपर सियासत कर रहे हैं, क्या उन लोगों के ऊपर लगाम लगाने की ज़रूरत नहीं है? क्या क्या पुलिस को फॉर्मल कंप्लेंट की ज़रूरत है इस मामले में? क्या पुलिस इन चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती क्या? तो मैं आपके माध्यम से, मैं जम्मू कश्मीर पुलिस से ये इस्तदा करूँगा कि वो बिना किसी फॉर्मल कंप्लेंट के या बिना किसी हाई कोर्ट के सुओ मोटो एक्शन का इंतज़ार करते हुए इन तमाम चैनल्स और उन तमाम वॉइसेस जिन्होंने एक टायरेट शुरू किया है जब से ये हाई कोर्ट की जजमेंट आई है, कुछ लोगों को, कुछ समुदाय को, पर्टिकुलर समुदाय को जिस तरह वो अटैक कर रहे हैं, जिस तरह से उन लोगों को हरास कर रहे हैं, जिस तरीके से वो लोगों को परेशान कर रहे हैं, जिस तरह का वो नैरेटिव जम्मू कश्मीर में इस्टेब्लिश करना चाहते हैं और बाद में वो सियासत उसके ऊपर करना चाहते हैं, मैं ये गुजारिश करूँगा, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, से कहते हैं ये बीज डाला गया है, इसके ऊपर सियासत की जाएगी, कल को इट मे टर्न इन टू एनी अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट। और ये, दिस इज़ हाई टाइम कि जम्मू कश्मीर पुलिस को
इन लोगों को जो कि आइडेंटिफाइड हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि उनको आइडेंटिफाई करना है, ये लोग आइडेंटिफाइड हैं। और देखिए वो किसका एजेंडा यहाँ पे चला रहे हैं। जम्मू कश्मीर के किसी सियासतदान की ये लैंग्वेज नहीं थी, इस्लामोफोबिया, कार्टल्स, पता नहीं क्या क्या लफ्ज़ जो हैं, ये जम्मू कश्मीर में मैंने आज तक किसी सियासतदान को ये लैंड जिहाद, डेमोग्राफी चेंज, ये मैंने कभी यहाँ पे इस किस्म के शब्द इस ऐसे शहर में, जिस शहर में शेर और बकरी ने पानी एक घाट पे पिया हुआ है, जिस शहर में 5 ज़ियारतें हैं पंज पीर की गर्म जिसे कहते हैं, जिस शहर में से कहते हैं लोग तवी पुल के ऊपर खड़े होके सामने बावे वाली माता के आगे माथा टेकते हैं, और जिस शहर में तारीखी भाईचारा है, उस शहर में आज ये बातें हो रही हैं और वो लोग खुल के सियासत कर रहे हैं मज़हब के नाम के ऊपर, नफ़रत के नाम के ऊपर। तो लिहाजा आपके माध्यम से, आपके सामने मैंने अभी जो आंकड़े हैं, जो कि अकाउंटेंट जनरल की लिस्ट है, ठीक है, मैंने आपको साफ बता दिया कि भाई हमारे जम्मू खित्ते के जो लोग हैं उनके चंद नाम मैंने पढ़ के बताए हैं, ठीक है। तो मज़ा तो तब ये है ना कि जब हम बात करें फिर हम खुल के तथ्य जो है वो समाज के सामने रखें, बिल्कुल ठीक है। आप खुल के तो बात करते नहीं, आप जम्मू के जो बेनिफिशरीज हैं रोशनी, आप उनके नाम लेते नहीं, जो उधमपुर के हैं, जो सांबा के हैं, जो कठुआ के हैं, आप उनकी बात करते नहीं, ठीक है। आपको कल को लीडर बनना है, आपको कल को जम्मू की नुमाइंदगी करनी है, तो क्या आप एक विशेष कम्युनिटी की नुमाइंदगी करना चाहते हैं? मैं बार बार कहता हूं अपने साथियों को जिनकी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हैं कि वो दिल्ली राज्य की सियासत से कुछ सीखें। वहां पे भी मज़हब का इस्तेमाल किया गया, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी, एक पॉलिटिकल सोच, उन्होंने कहा हम हिंदू मुस्लिम के नाम के ऊपर सियासत नहीं करेंगे, उन्होंने कहा हम सियासत करेंगे इवनिंग क्लिनिक्स के ऊपर सियासत करेंगे, हम सियासत करेंगे दिल्ली के स्कूलों के ऊपर सियासत करेंगे। और आज आप देखिए दूसरी दफा लोगों ने उन लोगों को मौका दिया। आई एम नॉट एफिलिएटेड विद आम आदमी पार्टी, लेकिन कोई अच्छी चीज़ जो है उसकी कॉपी करना भी कोई बुरी बात नहीं, ठीक है। लेकिन आप कब तक ये मज़हब का डमरू जो है ये बजाएंगे? वो सादा लोग हैं, मेरे जम्मू के लोग सादा हैं जिसे कहते हैं, और इनको मालूम है कि जो सादा लोग हैं इनको गुमराह करना आसान है। लेकिन मैं तभी बार बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ लोगों से, मैंने कोई इलेक्शन नहीं लड़ना भी, ना मेरी कोई सियासी वाबस्तगी है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, मैं जम्मू के समाज के सामने जो तथ्य हैं, मैं तथ्य की बिना के ऊपर बात करूँगा। मैं कभी भी हिंदू मुस्लिम की सियासत जम्मू में नहीं करूँगा, ये मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, और ना ही मेरा ऐसा कोई इरादा है। अगर बात रखूँगा, जोड़ने की बात करूँगा, प्यार की बात करूँगा, अमन की बात करूँगा, मोहब्बत की बात करूँगा, लेकिन गुज्जर से दूध नहीं लेना, गुज्जर को ज़मीन नहीं बेचना, गुज्जर को मुर्दे को दफन नहीं करने देना, ये सियासत में कभी जिसे कहते हैं ना इसको प्रमोट करूँगा, हमेशा इसको कंडेम करूँगा, चाहे कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हो। शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। सियासत करनी है कीजिए, पॉलिटिक्स जब भी आप करते हैं कीजिए, लेकिन मजहबी बिना पे मत कीजिए। सड़कें हैं, डेवलपमेंट हैं, नौकरियां हैं, इतने सारे डेली वेजर सड़कों पे है, यूथ सड़कों पे है, सिलेक्शन लिस्टों में इतनी धांधलियां हो रही हैं, उन चीज़ों पे सियासत करिए आप। मजहबी जो एक भाईचारा, जो जम्मू कश्मीर की मिसालें दी जाती हैं, उस पे कहीं ना कहीं दरार डालने की ये कोशिश ना कीजिए आप। और जो ये आंकड़े जो हैं शकील सर ने यहाँ पर दिखाए, और हमने भी अपनी वीडियोज़ में जो आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखाई कि किस कम्युनिटी के नाम इसमें जो हैं ज़्यादा, किन को बेनिफिशरी थे, किन के नाम इसमें ज़्यादा हैं, क्या किस कम्युनिटी से वो बिलोंग करते हैं, और क्या आपकी आंखों में धूल झोंकी जा रही है, और किस तरह से एक नैरेटिव जो है आपके दिमाग में डाला जा रहा है कि यहाँ पे जो ज़मीन जिहाद या लैंड जिहाद या डेमोग्राफिक जो चेंज है, ये आपके ही लोग हैं, आपके बीच में रस्ते बसते हैं, ये जम्मू प्रोविंस के, कश्मीर प्रोविंस के यहाँ पर 2-4 महीने के लिए आते हैं, अपने दुख दर्द के मारे आते हैं यहाँ पर, अगर 2-2, 4-4 मरले उन्होंने यहाँ पर लिए हुए हैं, बैठे हुए हैं, और उस चीज़ को अगर आप डेमोग्राफिकल चेंज कह
रहते हैं, अगर इस तरह की सोच यहाँ पे जम्मू में या कश्मीर में पैदा होती है तो बाहर जो हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे जो बाकी लोग काम करने जाते हैं, तो अगर वहाँ के लोग भी इस तरह की सोच पाल लें फिर वो लोग वहाँ पर कैसे जिएंगे। फिलहाल इसी तरह की अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 7 इंडिया के साथ। कैमरामैन शाहनवाज के साथ मैं अरफा जमा डैंग।